एक गायक को, एक सिंगर को हारमोनियम, तबला, नाट्य, नृत्य या और कोई भी विषय कितना आना ज़रूरी है, या अगर वो हारमोनियम बजा रहा है या तबला बजा रहा है तो क्या उस साज पर उसकी पकड़ होना, महारत होना, यानी कि फिजिकली वो उस साज को अच्छे से मास्टरी से बजा सके, क्या ये ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है, तो उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही है, उसे ज्वाइन कीजिए अगर आप विधिवत ढंग से संगीत सीखना चाहते हैं। काम की बात मैंने की ही नहीं, काम की बात मैंने की ही नहीं। तो बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि जब हम कहते हैं कि यार गायकी सीखना शुरू कर रहे हैं, शास्त्रीय गायकी हो, सुगम गायकी हो, या कोई भी प्रकार की गायकी हम सीखना चाहते हैं, वो हमें बड़ी पसंद आती है कि यार ये फलां टाइप का गाना जो है मुझे बड़ा पसंद है तो मैं भी इस प्रकार के गाने गाना चाहूँगा। अब वो फलां में गिटार भी हो सकता है कि गिटार बेस्ड सिंगिंग, हम देखते हैं हारमोनियम बेस्ड सिंगिंग, है ना, हम देखते हैं फलां कोई और इंस्ट्रूमेंट बजा के कोई गा रहा है तो हमें भी वो पियानो बेस्ड सिंगिंग, तो हमें वो इंस्ट्रूमेंट सीखना है। अब यहाँ एक लाइन ड्रॉ हमें करनी पड़ती है कि उस विषय में दूसरे विषयों का दखल होता है। जैसे कि मैं खुद कहता हूँ और मैंने यही जाना सीखा है अपने गुरुजनों से कि संगीत एक ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें बहुत से विषय मिले हुए होते हैं, वेदर इट बी फिलॉसफी, वेदर इट बी लिटरेचर, वेदर इट बी एक्टिंग, आपका कोई भी विषय हो वो उसमें मिला हुआ है। अगर आप एक गायक हैं तो आपको नृत्य की भी उतनी ही नॉलेज ज़रूरी है जितनी कि तालपक्ष की होना ज़रूरी है। तो क्या ये नॉलेज लेने के लिए वो पर्टिकुलर वाद्य या वो पर्टिकुलर विषय ही सीखना ज़रूरी है या नहीं, ये हमारा मुख्य सवाल बनता है। क्योंकि मैंने खुद ने भी तबला सीखा है अलग से, मैंने खुद ने अलग से हारमोनियम सीखा है, मैंने खुद ने अलग से संतूर, पियानो, एक्टिंग, सब कुछ सीखने की कोशिश करी और सब हर विषय में मेरा दखल रहा है। और बट ऑफ कोर्स अलग से इसीलिए सीखा क्योंकि उस विषय को प्रोफेशनली सीखना एक ऐसे व्यक्ति से जो सिर्फ उस विषय का ही मास्टर है, उसको और कुछ नहीं आता, वो उसी विषय में उसकी मास्टर्स है जैसे कि कहेंगे, या फिर यूँ कहें कि उसकी महारत है उस विषय में। तो मैंने पर्टिकुलर वो चीज़ उन व्यक्तियों से सीखी। मैंने तबला एक तबला वादक से सीखा, मैंने अभिनय एक अभिनेता से या एक नाट्य रंगमंच के कलाकारों से सीखा, उनके साथ रहकर सीखा। सितार मैंने सितार वादकों से सीखा, यानी पर्टिकुलर उन्हीं विषयों के मास्टर से। अंग्रेज़ी अगर मैंने सीखी तो अंग्रेजी के अध्यापकों से सीखी, तो स्वाभाविक है आप उन्हीं से सीखते हैं जो उस विषय के मास्टर होते हैं, यानी उस विषय में उनका बेहद दखल है, आप उनसे ही सीखना चाहते हैं। लेकिन वहीं आपको ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है कि इन सारे विषयों को आप फिजिकली करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ आपके मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, या अपने विषय में उन दूसरे विषयों का कितना योगदान है वो समझने के लिए सीखना चाहते हैं। मैंने अभिनय सीखा, मैंने भाव सीखे, भाषा सीखी कि किस तरह से डायलॉग बोला जाता है, किस तरह से किरदार निभाया जाता है, किरदार के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उतना डीप में नहीं, लेकिन हाँ मैंने काफ़ी कुछ उस बारे में जाना, डायलॉग डिलीवरी के बारे में, कहानी के बारे में, सब कुछ मैंने जानने की कोशिश करी, स्क्रिप्ट के बारे में, या फिर अगर फिल्मोग्राफी है तो फिर उसमें सिनेमाटोग्राफी कैसे हो रही है, कैमरा वर्क, फ्रेम्स, इन सब की जानकारी मैंने ली, पर्टिकुलर सीखा। मुझे एक्टर नहीं बनना था, मुझे सिनेमाटोग्राफर नहीं बनना था, मुझे लिरिसिस्ट नहीं बनना था, लेकिन तब भी मैंने वो सारी चीज़ें सीखी। मैंने तबला सीखा एकदम डिटेल में, छोटा मोटा नहीं, पूरा डिटेल में मैंने तबला सीखा। मैंने कायदे, पलटे, रेले, टुकड़े, जो कुछ होता है उसमें सब कुछ सीखा, सब कुछ जाना, अलग अलग तालें, वादन, अलग अलग घराने, सब कुछ जाना, सब कुछ सीखा, अभ्यास उसका उतना नहीं किया। यानी प्रैक्टिकली मैं एक तबला वादक नहीं हूँ, लेकिन तबले का जितना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है वो मुझे समझ आता है। तबले का जितना ताल पक्ष, लय पक्ष, संगत पक्ष, वो सब मैं समझता हूँ, जानता हूँ और जान रहा हूँ, जानने का इच्छुक हूँ और हमेशा जानता रहूँगा। धीरे धीरे उसमें इजाफा होता रहेगा ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस विषय में काम कर रहा हूँ, ऐसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, मैं रहता हूँ और जानबूझ के स्वेच्छा से, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ उस विषय के बारे में जानना, मैं उन चीज़ों के बारे में नियमित जानता रहता हूँ, भले वो अभिनय हो, भले वो साहित्य हो। यही मैंने हारमोनियम भी सीखा।
अब यहाँ मुख्य मेरा सवाल आता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास इतना वक्त नहीं है, जो कहते हैं कि सर हम हारमोनियम सीखें या हम गाना करें, क्योंकि हारमोनियम बजाने के लिए बहुत अभ्यास लगता है। हारमोनियम भी एक विषय है, वो भी अपना अभ्यास मांगेगा, गायन भी एक विषय है, वो भी अपना अभ्यास मांगेगा, तबला भी एक विषय है, वो भी तो अपना अभ्यास मांगेगा, और अभिनय में भी अभ्यास लगेगा भाई उन सारी चीज़ों को करने में। तो हर विषय अपना अभ्यास मांगता है। दो विषय हम साथ में सिखाते हैं, संगीत प्रभा वर्ल्ड का सिलेबस है कि हम हारमोनियम भी आपको सिखाते हैं, एक साज आपको सिखाते हैं, ताकि आप स्वरों का ज्ञान या फिर अभ्यास में थोड़ी सहूलियत आपको हो सके, आप पिच को, नोटेशंस को एक फ्रेमवर्क में देख सकें, इसीलिए आपको हम हारमोनियम एक साज सिखाते हैं। अब वो हारमोनियम पर आपकी महारत होना ज़रूरी है, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि वो वहाँ तो भाई पूरा बजाना आना ही चाहिए, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, वो सिर्फ सहायता के लिए आपको सीखने का था। लेकिन अगर आप हारमोनियम बजाकर गाना चाहते हैं विद कॉन्फिडेंस, ऐसे गज़ल सिंगर जैसे गाते हैं या फिर भजन सिंगर जैसे गाते हैं, अगर उस तरह से आप गाना बजाना चाहते हैं, तो आप हारमोनियम का अभ्यास कीजिए, आपकी उस पर भी महारत हो जाएगी। लेकिन किसी चीज़ की नॉलेज होना और उसको प्रैक्टिकली करने में फ़र्क होता है, बस ये मुझे समझाना था। तबले मैं आपने लय पक्ष समझा, ताल पक्ष सीखा, मैंने सीखा और उसमें से जिस्ट निकाली, क्रक्स निकाला और वोकल में अप्लाई कर दिया, और वही मैं लोगों को सिखाता हूँ। जो हम लय, लयकारी, ताल, अलग अलग लयों में जाना, अलंकारों को अलग अलग लयकारियों में करना, कहाँ से उठाना, कहाँ पर लाना, ये सारी चीज़ें जो देखते हैं, जो तबले से आती हैं, तो ये मैंने स्वयं ने तबला सीखा और उसमें से अप्लाई कर दिया, और अपने स्टूडेंट्स को मैं उस चीज़ से वंचित नहीं रहने देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है, इतनी अपॉर्चुनिटी सबके पास नहीं होती कि वो अभिनय भी सीख लें, उतना समय सबके पास, इतनी प्रायोरिटी सबकी नहीं होती कि वो ताल, तबले की भी अलग से क्लास ले लें, सितार की अलग से क्लास ले लें, हारमोनियम का अलग से अभ्यास कर लें। मेरा तो जीवन ही संगीत रहा है बचपन से आज तक, और आगे भी यही रहने वाला है। तो मैं तो अलग अलग विषय, मैं तो इसी विषय में हूँ, पूरा समय मेरा 24 घंटे मेरे संगीत के अलावा और किसी में नहीं है, और कोई विषय है ही नहीं मेरा, है ना। तो मैं तो अलग अलग विषय के एस्पेक्ट्स ढूंढ सकता हूँ, और उसका प्रयोग अपने गायन में कितना और कब होना चाहिए वो देख सकता हूँ, और उतना ही आपको मैं सिखा भी देता हूँ। तबले का मैंने आपको ताल और लय पक्ष ज़्यादा सिखाया है, और वही मैं अपनी क्लासेस में सिखाता हूँ, न कि तबला वादन का पक्ष के कायदे, पलटे, रेले, वो मैंने नहीं सिखाया आपको। उनसे मैंने जो लय और ताल का ज्ञान लिया, छंद का, खंड का, जातियों का जो ज्ञान लिया, वो मैंने आपको सिखाया, और यही मैंने हारमोनियम से भी किया कि हारमोनियम में जो बारीकियाँ होती हैं, अगर वो गायकी में कहीं इस्तेमाल आ रही हैं तो कैसे आएंगी, और गायकी अगर हारमोनियम में इस्तेमाल आ रही तो कैसे आएगी। वरना तो सब जानते हैं कि हारमोनियम का अधूरा वाद्य है, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, गायकी उसमें हो नहीं सकती पूरी। तो इसीलिए आप ऐसा नहीं करते हो कि लीड बजाते हो और लीड ही गा रहे होते हो। आप क्या देखते हैं, जो हारमोनियम बजा के गा रहा है आपको लगता है ये तो हारमोनियम के साथ गा रहा है, ये तो हारमोनियम को गा रहा है, ऐसा नहीं होता है। हारमोनियम पे जो आप बजा रहे हो पर्टिकुलर, वो गले से नहीं निकल रहा होता है, गले में मीण, गमक, खटके, मुर्कियां, स्पर्श, स्वर, ये अलग अलग लग रहे होते हैं, जो हारमोनियम में लगते ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर कोई निकालता भी है हूबहू कॉपी करने की, देखिए मीण, तो वो हूबहू नहीं आएगी, है ना। तो ये वाली चीज है कि उस विषय पर प्रैक्टिकल महारत हासिल होना ज़रूरी नहीं है। मैंने अभिनय, अगर मुझे अभिनेता बनना होता तो मैं अभी थिएटर कर रहा होता, ड्रामा कर रहा होता, लेकिन वो विषय अपनी मेहनत, अपनी रिसर्च मांगता है। सिर्फ थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ मैं एक अभिनेता नहीं बन सकता, मुझे अगर ड्रामा थिएटर करना है तो आई हैव टू बी इन द सब्जेक्ट फॉर माई होल लाइफ, दैट इज़ वॉट आई बिलीव। शौकिया सीख लिया तो सीख लिया, वो बात अलग है। तो उसी तरह से तो सीखा मैंने, शौकिया ही सीखा और उसमें से अपना नॉलेज लिया जो मेरे गायन में, जो मेरे गाने में इस्तेमाल आना चाहिए, और वो मैं आप सभी लोगों को सिखाता हूँ कि देखिए भाषा पर काम करिए, देखिए भाव पर काम करिए। मैं नृत्य प्रैक्टिकली नहीं करता हूँ, लेकिन नृत्य की नॉलेज मुझे है, भाव पक्ष, अंग, लय पक्ष, ताल पक्ष, ये मैंने नृत्य से सीखा और अपने गायन में अप्लाई करके आप सभी लोगों को सिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है उस विषय पर पूरी आपकी महारत हो, लेकिन हाँ, उस विषय का जो जो अंग आपको इसमें ज़रूरी चाहिए वो आप रखिए। जैसे कि भाषा, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा लेखक नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों की रचनाएँ पढ़ता हूँ, उनकी लेखनियाँ पढ़ता हूँ, गज़लें पढ़ता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, शब्दों की नॉलेज लेता हूँ, और आप सभी लोगों को भी यही कहता हूँ कि शब्दों की नॉलेज लीजिए, क्योंकि गातो अपंतो तो गत्वा शब्द ही रहे हैं ना, तो वो व्याकरण भी आना चाहिए, अंग्रेजी का, हिंदी का, उर्दू का, फिलोसॉफी हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जो शब्द हम गा रहे हैं, जो रचनाएं हम गा रहे हैं, उनकी पीछे की फिलोसॉफी क्या है, उनके पीछे का भाव क्या है, मेटाफोरिकल सेंस क्या है, वो जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको भाषा, साहित्य हो, अध्यात्म हो, आपको नृत्य हो, नाट्य हो,
हारमोनियम का बजाना हो, तबला बजाना हो, सितार की नॉलेज हो, सारंगी की नॉलेज हो, आज की तारीख में तो हम म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद का म्यूज़िक बनाते हैं, हम अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजवाना चाहते हैं, हम कहते हैं कि सर यहाँ पे सितार का एक पीस चाहिए तो आप बजा दीजिए। अब हमें पता ही नहीं है कि सितार बजता कैसे है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर सितार की नीड है और सितार इस तरह से बजना चाहिए। किसी व्यक्ति ने गलत बजाया अगर सितार हमारे गाने में तो हमको पता ही नहीं पड़ा। तो ये नहीं होना चाहिए ना, हम एक अधूरे गायक कैसे बन रहे हैं। अगर एक पूर्ण संगीतकार, एक पूर्ण गायक, एक पूर्ण विषय का ज्ञाता आपको बनना है तो ये सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी हैं। तबला वादक भी गायन सीखते हैं क्योंकि उन्हें स्वर की नॉलेज चाहिए। ऐसा थोड़ी कि वो प्रॉपर गाना सीख रहे होते हैं, नहीं भाई, तबला मिला रहे हो सुर में ही मिलेगा। आप संगत कर रहे हो किसी की तो आपको गायन आना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा कौन सी लाइन कहाँ गाई कि हमने कहाँ क्या बजाना है। और यही चीज़ आपके गायन में भी है। अगर आपको तबला आता ही नहीं है तो आपके गायन के साथ तबला वादक कुछ भी बजाया जा रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप बन रहे हो, है ना। तो वो नहीं हो कि वो अपनी गलतियों का जो टोकरा है वो आपके सर न रख दे कि मेरी लय चूकी, लेकिन वो आप पर डाल देगा, आपको पता ही नहीं कि यार नहीं, तबले वाले की लय चूक गई थी, उसकी लय बढ़ गई थी, या वो ताल में कहीं मात खा गया था। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको वो विषय सीखना ज़रूरी है, लेकिन उस पर महारत हासिल हो, प्रैक्टिकली वो आप कर रहे हों, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन हारमोनियम फिर भी मैं कहूँगा कि आप थोड़ी बहुत अपनी कमांड रखिए, क्योंकि हारमोनियम बजा बजा कर गाने में कॉन्फिडेंस रहता है। और फिर आप हारमोनियम के बगैर भी गा सकते हैं, मैं हारमोनियम के बगैर भी गाता हूँ, हारमोनियम के साथ भी गाता हूँ। और अंततो गत्वा तो इन सारे साधनों से मुक्ति ही तो चाहिए, तभी तो सिद्धि होगी। जितने साधन हैं ये सब माध्यम हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी एक बात थी, इस पर और भी चर्चा की जा सकती है, मगर एक वीडियो में इतना समय काफ़ी है। बाकी फिर मिलेंगे जल्द एक नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें संगीत प्रभा वर्ल्ड को। धन्यवाद।